सिंदूर का महत्व। यदि पत्नी के मांगों के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने मांगों के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है उसका पति उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचा तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक सी है इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए श्री राम की नज़रों से भला कोई छुप सकता है क्या। असली बात तो यह थी जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा का मांग सिंदूर से भरा हुआ है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने देखा कि मौका देखकर और बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसको नहीं मारते फिर उनके सिवाय कोई और क्या मारेगा। यह पढ़कर मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आजकल फैशन चल रहा है कि सिंदूर ना लगाने या हल्का लगाने या बीच मांग में ना लाकर किनारे लगाने की। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस पढ़कर सुनाने से आप लोग सिंदूर का महत्व समझ जाएंगे और अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए के नाम का सिंदूर अपनी मांग